माता की जय। भारत माता की जय। राष्ट्र सलोट सलामत। अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे नमस्कार। As you know, today all of us are here to celebrate the 70th Republic Day of our country. Every year we celebrate the Republic Day on the 26th January because of the Constitution of India. Came the force into the day of 1950. Greatness of all you on the eve of the Republic Day, the world's largest and most vibrant democracy. In this land, enriched by the diversity with the many festivals, our national festivals are celebrated by every year with the great patriotic fervor. Today is the day of the forum, our commitment to unity of diversity, unity and fraternity and equality among all the citizens of the greetings to the members of the armed forces, paramedical forces and the police who usually celebrate the festival, staying away from the home, from their home families. My special greetings to all of those jawans and tehsil administrative heads, especially for the SDM Duru Principal Degree College and other dignities. जैसा आप जानते हो कि आज 73 जो हमारा आईन बना है जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जो तीन बड़े शख्सियत ने मकसद टाइम में उस वक्त बनाया, जिसमें हमारे डॉक्टर बी राव अंबेडकर, बी एन राव सुंदरनाथ मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके चेयरमैन भी थे। आपको पता ही है कि हमारे देश में किन लोगों ने अपनी आजादी के लिए अपने प्राण निशावर किए। हम महात्मा गांधी जी को भूल नहीं सकते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को भूल नहीं सकते हैं, हम भगत सिंह को भूल नहीं सकते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी को भी भूल नहीं सकती है, जिनका कंट्रीब्यूशन इस हमारे देश को आजादी में एक बड़ा बलिदान उनका रहा। मैं आप सबको जो यहां पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, सेक्टोरियल ऑफिसर्स हैं और बाकी पैरामेडिकल फोर्सेस, पुलिस के जवान, उनको आज दिल की उम्मीद गहराइयों से इस दिन पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, तीन चीजों पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त बना। तीसरा जुडिशियरी, जिसमें हमारा ऑनरेबल कोर्ट आते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट रोल है इस देश प्रदेश को सही खबर पहुंचाने तक, सही और गलत में फर्क करने तक, वो है मीडिया का रोल, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये चार चीजों पर, चार पिलर पर ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें खुदा ना खास्ता अगर एक पिलर की कमजोरी हो गई, उस मकान को गिरने का खतरा है। मुझे उम्मीद है जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, जैसे हमारे पिछले दिनों ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, उसने कहा कि मैं वचनबद्ध हूं।